ਸਰਕ ਸਾਜ ਲਵੇ ਜਿਸ ਲਲਿਤ ਲਲਿਤ ਗੀਤ ਲਲਿਤ ਸਬਦ ਲਲਿਤ ਗੀਤ ਲਲਿਤ ਜਨ ਜਨ ਕੇ ਥੇ ਮੀਤ ਲਲਿਤ ਰੋਮ ਲਲਿਤ ਕੰਠ ਲਲਿਤ ਮਨ ਕੀ ਹਰ ਛੰਦ ਲਲਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਲਿਤ ਅਭਿਮਾਨ ਲਲਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਲਿਤ ਅਭਿਮਾਨ ਲਲਿਤ ਸਮਾਨ ਲਲਿਤ ਪਹਿਚਾਨ ਲਲਿਤ ਕਈਓ ਕੇ ਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਲਿਤ। 1923 में 2 फरवरी को ललित बाबू का जन्म हुआ। बनवा को एक छोटे से परिवार, एक ऐसा परिवार जो कि बच्चन बलिया परिवार था, ब्राह्मण परिवार था वो। हालांकि इनका जन्म अक्टूबर राजेपुर में हुआ, कुमार राजेपुर जो कि तत्कालीन मुजफ्फरपुर में था, वर्तमान में वैशाली में है। 5 भाई में सबसे बड़े थे और इन्ही के छोटे भाई पंडित जगन्नाथ मिश्र एक बार मुख्यमंत्री भी बने, कई बार मुख्यमंत्री बने। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कुमार राजेपुर में हुई, माध्यमिक शिक्षा बनवा में हुई। कुमार राजेपुर में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद हालांकि इनका पैतृक गांव जो है वो बलुआ बाजार में था बनवा। उच्च माध्यमिक शिक्षा दिव्य हाईस्कूल सुपौल से इन्होंने ग्रहण किया और अंतर स्नातक की शिक्षा सीएम कॉलेज दरभंगा से की। एमए की शिक्षा पटना यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और 1922 में इनका जन्म हुआ था। 1937 में राजनीति की पहली लकीर इन्होंने खींची अखिल भारतीय छात्र परिषद के बाद। अखिल भारतीय छात्र परिषद में 1937 में इनका चुनाव हुआ। 1939 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे और 1950 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए जो कि जीवन के अनंत शासक हैं। ललित बाबू एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम सब जानते हैं, पूछते हैं, समाज के नजरों से देखते हैं। जब आजाद भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1952 में दरभंगा भागलपुर सहरसा इस संसदीय क्षेत्र से ललित बाबू ने चुनाव लड़ा। 1952 में चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बना। 1954 में कोसी की विभीषिका को दूर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति ने प्रथम प्रयास पार किया तो उसे ललित बाबू। 1957 में दूसरी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए और 57 से 62 तक कई विभागों की जिम्मेदारियां भी उठाई। 64 में राज्यसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा से जुड़े कई सारे मंत्रालयों में इन्हें जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को इन्होंने निर्वहन किया। 1973 में कांग्रेस की सरकार थी, रेल मंत्री बनाए गए और फिर एक रेल मंत्री के तौर पर रेलवे कार्यकाल इनका चल ही रहा था कि 2 जनवरी 1975 का वो दिन जो कि वैसे तो शुभ था, शुभ इसलिए था क्योंकि समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में रेलखंड की सौगात देने के लिए मिथिलांचल का बेटा अपने घर अपने घर जा रहा था। 2 जनवरी 1975 को पूर्व रेल मंत्री ललिता राय मिश्रा जी समस्तीपुर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड में रेल लाइन का उद्घाटन करना होता है उन्हें और फिर उसके बाद जो हुआ उससे आप सब अवगत हैं। मिथिलांचल नहीं बल्कि देश ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया, वो ललित जो यादों में है, छंद में है, पद में है, मन में है और हम सबों के मन में है। वो ललित जिन्हें मिथिलांचल अपना बेटा कहकर पुकारती थी और देश अपने जान से ज्यादा प्यार करती थी, उनका ललित बाबू की आज श्रद्धांजलि सभा आए यदि हमारे बीच में होते तो आज 98 वर्ष के होते। उनकी श्रद्धांजलि सभा है 55वीं श्रद्धांजलि सभा और इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सभी का विशेष धन्यवाद। हमारे जो मुख्य अतिथि है, जो अन्य अतिथि है, वो आप सबके बीच में आएंगे और बारी बारी से और विस्तार से बताएंगे। चंद लाइने है मेरी तरफ से जो कि अपनी वाणी को विराम देने से कई बाबू का जो अंश देखता हूं उससे जुड़ी चंद पंक्तियां हैं जो मेरी स्वरचित है, मैंने खुद की लिखी है आपके लिए। वो याद हमें अब आते हैं, वो याद हमें अब आते हैं जब जब कोई चेहरा चमकता है, हर अक्ल में हर शक्ल में मन ललित ललित यू कहता है, जैसे हो फिर कायाकल्प, जैसे हो फिर कायाकल्प, सत्ता के इन अंगारों से रोम रोम व्यथित पड़ा,
रोज रोज व्यतीत करा दुष्ट कंसों के गलियारों से। हो विजय, हो विजय, विजय मतलब जीत, हो विजय मन हो पुनः हर्षित, हो विजय मन हो पुनः हर्षित। ऋषि में है दिख रहा वो जज्बा सौर्य अभिमान का, ऋषि में है दिख रहा वो जज्बा सौर्य अभिमान का। कुतलताओं से दक्ष है वो, कुतलताओं से दक्ष है वो, रक्त है ललित महान का। जय जय भारत।